हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग मैम, हम लोग ठीक हैं। मैम, हम लोग ठीक हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप लोग को एक गरीब मास्क वाला की स्टोरी सुनाऊंगी। गरीब मास्क वाला की स्टोरी फिर तो बहुत मजा आएगा मैम। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव था। उस गांव में बहुत सूखा पड़ गया था। गांव में एक बहुत ज़्यादा गरीब परिवार था और सूखा पड़ने के कारण वो गरीब परिवार शहर की तरफ निकल पड़ा। शहर पहुँच के जो गरीब परिवार का मुखिया था, जिसका नाम रामू था, वो वहाँ पे मजदूरी करने लग गया और अपने परिवार का पेट जैसे तैसे पालने लग गया। रामू को जो भी काम मिलता वो काम करता और अपने घर जाके अपनी पत्नी को पैसा देता। मजदूरी के पैसे से रामू की पत्नी विमला अपने घर का खर्च चलाती थी और अपने बच्चों का पेट पालती थी। विमला खाना खाने के बाद और घर का काम ख़त्म करने के बाद रामू से कहती है कि सुनिए, घर का राशन ख़त्म हो गया है, कल से खाना नहीं खा पाएंगे हम लोग। विमला को रात भर चिंता के मारे नींद नहीं आती है, क्योंकि घर का राशन ख़त्म हो चुका था। रामू अगले दिन सुबह सुबह ही निकल पड़ता है और यह सोचते हुए जाता है कि आज मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आज तो घर का राशन भी नहीं है, तो घर के सामान के साथ साथ मुझे घर का राशन भी लेना होगा। रामू काम ढूंढने का काफ़ी प्रयत्न करता है, पर उसे कोई काम नहीं मिल पाता है। रामू बहुत ही निराश होकर जा रहा होता है और यही सोचते हुए जा रहा होता है कि आज उसे कोई काम नहीं मिला, जबकि आज तो उसे और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। तभी अचानक राजू की नज़र एक बारात वाले टेंट पर पड़ती है और वह खुश होकर वहाँ पर काम मांगने के लिए जाता है। रामू टेंट के मालिक से बात करता है कि मुझे यहाँ पर कोई काम मिलेगा। टेंट का मालिक कहता है कि काम तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, फिर उसको काम वाली जगह पर लेके जाता है। टेंट का मालिक रामू को जूठे बर्तन की तरफ लेके जाता है और रामू से कहता है कि शाम तक ये सब बर्तन धुल जाने चाहिए। फिर रामू कहता है ठीक है मालिक, शाम तक मैं सारे बर्तन धुल दूंगा। रामू लगभग सारे बर्तन धो चुका होता है, बस एक आखिरी बड़ा बर्तन बचा होता है जिसमें काफ़ी सारा खाना बचा रहता है। रामू उस खाने को देख कर मन में सोचता है कि इतना ढेर सारा खाना बचा है, क्यों ना मैं इस सारे खाने को किसी पॉलीथीन में भर लूँ और शाम को अपने घर ले जाऊं, क्योंकि आज तो हमारे घर में अनाज भी नहीं है। और रामू सब बचे कुचे खाने को पॉलीथीन में भर लेता है। रामू सारा काम ख़त्म करने के बाद पॉलीथीन लेके वहाँ से बाहर निकलता है। तभी उसके मालिक की नज़र रामू पर पड़ती है और उसका मालिक रामू को पॉलीथीन के साथ देखकर बोलता है कि अरे, ये पॉलीथीन में क्या है, क्या लेके जा रहे हो तुम? रामू का मालिक कहता है कि अच्छा, चोरी करके जा रहे हो, मेरे यहाँ से सामान चुरा के लेके जा रहे हो, खाना चुरा के लेके जा रहे हो। बहुत गुस्सा करता है। यह सब सुन के वहाँ पे कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सब लोगों को इकट्ठा हुए देख करके रामू डर जाता है और अपने बचाव के पक्ष में वह कुछ नहीं कह पाता है। सब लोग रामू को चोर समझ के उसे खूब पीटते हैं और पीट पीट के रामू का बुरा हाल कर देते हैं। रामू निराश होकर वहाँ से निकल पड़ता है और मन में सोचते हुए जाता है कि आज तो उसके घर में अनाज भी नहीं था, आज वह अपने बच्चों के लिए क्या लेके जाएगा। आज उसने कोई कमाई नहीं की, उल्टा उसकी और पिटाई भी हो गई। रामू जब घर पहुंचता है तो रामू की पत्नी विमला रामू से पूछती है कि अरे, आपको क्या हुआ, ये कैसी हालत ना रखी है? तो रामू अपनी पत्नी को पूरी कहानी सुनाता है। विमला ये सब सुन के बहुत दुखी होती है और बहुत निराश हो जाती है। रामू अपनी पत्नी से कहता है कि आज मैं कुछ नहीं ला पाया, तुम बच्चों को पानी पिला के सुला दो। विमला अपने बच्चों को पानी पिला के सुला देती है। अगले दिन रामू सुबह सुबह होते ही तुरंत अपने घर से काम की तलाश में निकल पड़ता है, पर जैसे ही बाजार की तरफ निकलता है तो वो देखता है कि सारी दुकानें बंद रहती हैं। रामू बहुत ही निराश हो जाता है। वो सोचता है कि कल भी कुछ कमाई नहीं हुई थी, जिसके कारण उसके बच्चे पानी पी के सो गए थे, और आज भी सारी दुकानें बंद हैं, तो वो कैसे काम ढूंढेगा, और बहुत निराश हो जाता है। रामू ये सब सोच ही रहा होता है, तभी अचानक उसके पीठ पर पीछे से कोई डंडे से वार करता है। पीछे मुड़ के वो देखता है तो सामने एक पुलिस वाला होता है। पुलिस वाला रामू से पूछता है कि अरे, तुम यहाँ बाहर क्यों घूम रहे हो और तुमने मास्क भी नहीं लगा रखा है? रामू पुलिस वाले से कहता है कि साहब, मैं तो काम की तलाश में बाहर निकला था, मैं 2 दिन से काम की तलाश में हूँ, मेरे घर पर मेरे परिवार वाले 2 दिन से भूखे हैं, पर आज तो सारी दुकानें बंद हैं, क्या बात है साहब? पुलिस वाला रामू से कहता है कि अरे, तुमको पता नहीं है क्या, शहर में कोरोना वायरस फैला हुआ है, जिसके कारण आज पूरे शहर में लॉकडाउन है और इसलिए सारी दुकानें आज बंद हैं, इसलिए तुमको भी आज घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था,
और अगर घर से बाहर निकलना ही है तो सबसे पहले मास्क पहन के घर से बाहर निकलो ताकि कोरोना वायरस तुमको ना हो सके। रामू पुलिस वाले से कहता है, साहब ये तो बहुत बुरा हुआ, पूरे शहर में लॉकडाउन है तो मुझे काम कैसे मिलेगा, मैं तो भूखों ही मर जाऊँगा। पुलिस वाला रामू से कहता है कि अरे तुमको पता नहीं क्या, सरकारी राशन की दुकान पे गरीबों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, तुम भी सरकारी राशन की दुकान पे जाओ और वहाँ से अपना राशन ले लो, फिर अपना और अपने बच्चों का पेट तुम आसानी से भर सकते हो। रामू कहता है ठीक है साहब। रामू फिर राशन की दुकान पे पहुँच करके लाइन में खड़ा हो जाता है। रामू 3 घंटे तक लाइन में खड़ा रहता है, फिर इसके बाद का नंबर आता है। रामू जब राशन वाले के पास जाता है तो राशन वाला उससे राशन कार्ड पूछता है। रामू कहता है कि मेरे पास तो कोई राशन कार्ड नहीं है, और फिर राशन वाला उसे राशन देने से मना कर देता है। रामू निराश होकर राशन की दुकान से निकलने लग जाता है और वह सोचता है कि ऐसा उसके साथ ही क्यों होता है। रामू सोचता है कि हाँ कितना सारा राशन है, कितना सारा अनाज है, फिर भी उसको राशन कार्ड ना होने की वजह से कुछ नहीं मिल पाया, उसे बहुत दुख होता है। रामू जब राशन की दुकान से आ रहा होता है तो सामने उसे एक मेडिकल स्टोर दिखाई देता है जहाँ पे एक लंबी लाइन लगी होती है। रामू एक आदमी से इस लंबी लाइन लगी होने का कारण पूछता है तो वह आदमी रामू को बताता है कि अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, कोरोना महामारी फैली होने के कारण सरकार ने आदेश दिया है कि जिस किसी को बाहर निकलना है तो वो सबसे पहले मास्क लगाए और फिर घर से बाहर निकले, तो सभी लोग यहाँ पर मास्क लेने के लिए लाइन लगा के खड़े हुए हैं। रामू की गरीबी को देखकर वो आदमी एक मास्क रामू को भी खरीद कर दे देता है और कहता है कि अगर तुमको कभी भी घर से बाहर निकलना हो तो इस मास्क को लगा कर ही घर से बाहर निकलना ताकि तुम कोरोना वायरस से बच सको। रामू मास्क लेके अपने घर पे पहुंच जाता है। रामू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मास्क दिखा के अपनी पत्नी विमला से कहता है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना हम मास्क बनाकर मार्केट में लोगों को बेचें। अगर हम कम दामों पे मास्क को बेचेंगे तो हमें बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि कोरोना महामारी फैली होने के कारण सभी लोग मास्क लगाकर बाहर निकल रहे हैं। रामू की पत्नी विमला को रामू की बात सही लगती है और वो मास्क लेकर और अपने घर के पुराने कपड़े और सिलाई मशीन लेकर के मास्क लेने के लिए बैठ जाती है। कुछ ही देर में विमला 8-10 मास्क बना लेती है और फिर यह मास्क अपने पति रामू को बाजार में बेचने के लिए देती है। रामू अगले दिन मास्क लगा के और झोले में मास्क ले करके बेचने के लिए निकल पड़ता है। रामू के मास्क अच्छे बने होने के कारण और कम दाम होने के कारण हाथों हाथ बिक जाते हैं। मेडिकल स्टोर वाला रामू को मास्क बेचते हुए देखता रहता है और देखता है कि इसके मास्क बड़े अच्छे हैं। मेडिकल स्टोर वाला रामू को बुला करके कहता है कि तुम्हारे मास्क तो बड़े अच्छे तरीके से सिले हुए हैं, तो क्यों ना तुम मेरे लिए काम करो, मुझे मास्क सिल के दिया करो। और रामू को जब मेडिकल स्टोर वाले की बात सही लगती है तो वह मेडिकल स्टोर वाले के साथ काम करने के लिए राज़ी हो जाता है। फिर मेडिकल स्टोर वाला उसे मास्क बनाने के लिए कुछ कपड़े और सामान दे देता है। इस तरह से रामू को काम मिल जाता है लॉकडाउन में और वह कुछ पैसे कमाने लग जाता है। और अब रामू का परिवार पहले की तरह से खुशहाल हो जाता है और वो अच्छे तरीके से खाते पीते हैं। तो बच्चों इस प्रकार कहानी ख़त्म हो जाती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत पड़ने पे हमें कभी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए।